नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि YouTube का नए एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। इस नए एप्लीकेशन में, मतलब कि इसके नए वर्जन में, हमें एक नया फीचर मिलता है जिसकी मदद से हम वीडियो को 10 सेकंड पीछे या आगे, या 5 सेकंड आगे पीछे, या फिर 60 सेकंड तक आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है इसे। तो पहले में मेरा पुराना वाला यूट्यूब का वर्जन आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को अगर हमें आगे या पीछे करना होगा, तो यहाँ पे जो स्लाइडर है उसे हमें आगे पीछे करना होगा। अभी तो ये सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, मतलब कि 2 या 2.5 घंटे की मूवी देख रहे हैं, तो ये आसानी से नहीं होता। तो इसकी वजह से यूट्यूब ने नया फीचर ऐड कर दिया है, तो इसकी मदद से हम आसानी से कर सकते। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना होगा कि जो नया एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो मैं कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउज़र में जाके उसे पेस्ट करके गो कर दीजिए। तो आप एपीके मिरर की साइट पे चले जाएंगे। आपका जो आर्किटेक्चर होगा एआरएम का, अभी तो मैं नो डीपीआई वर्जन को ही सिलेक्ट करूँगा। आपके मोबाइल के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा, ये जो पहला वाला नो डीपीआई वाला वर्जन है इसे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड एपीके फाइल पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उससे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में जाके और वहाँ पे आपको ये जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में अननोन सोर्सेस को एनेबल करना होगा, जिसकी मदद से हम कोई भी एपीके फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस अभी आपने जो एपीके फाइल डाउनलोड कर ली है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। आपने जहाँ पे डाउनलोड कर लिए तो वहाँ पे जाके आप अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल्ड वर्जन है 11.19 और अभी जो नया वर्जन है वो है 12.05। तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल, ये हमारे पुराने वर्जन को अपडेट कर देगा। तो ये देखिए, अभी यूट्यूब का ये नया ऐप इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे शुरू करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं मेरा कोई भी वीडियो शुरू कर देता हूँ। ये वीडियो शुरू हो चुका है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे डबल टैप करना होगा। तो भी आप ले लो, यहाँ पे 10 सेकंड ऐसा आया था, आपने देख लिया। ये देखिए 10 सेकंड। तो इसकी मदद से हम आगे या फिर पीछे 10 सेकंड तक जा सकते हैं। ये देखिए 10 सेकंड। अगर हमें ये टाइमिंग चेंज करनी है, यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके जनरल और उसके बाद यहाँ पे जो डबल टैप टू सीक ऐसा जो ऑप्शन आता है, वहाँ पे हमको जितना भी सीक करना है, मतलब अगर अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड को चूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटे वीडियो देख रहे हैं तो 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड तक आप सीख कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।